And hello people. What's up? Welcome back to मैं नायत क्या हुआ मुझे एकदम याद आया नाम मेरा मैं भूल चुका था क्या करना था मिसिंग ट्रैक रात के दो बजे बैठ के शूटिंग करवाओगे तो मैं अपना नाम तक भी भूल जाऊँगा रात के दो बजे मिलता है आदमी मुझे शूटिंग के लिए है ओके तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं जन्म फिदा हैदरी जानम जन्म जानम फिदाय हैदरी जानम फिदाय हैदरी भाई सादिक हुसैन इसके इस कलाम के लिए कम से कम तीन दो महीने से कम से कम श्रेष्ण नारे चलो सही वक्त है फाइनली सही वक्त है मुहर्रम का वक्त है तो हम लोग आज रिएक्ट कर रहे हैं इसे स्टार्ट साद रिएक्शन उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन तो बिल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड कैन फॉलोज ऑन इंस्टाग्राम के जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए यहाँ नहीं सॉरी यहाँ मैं बोल दूँ एक बार बात को क्या एक बार बोल आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस वीडियो फिर बोल दूंगा मैं अपनी पब्लिक को जर मैंने इसको देखा है बहुत बार बार सुना है मैंने एक अंदर से एक मोटिवेशन जगाता है ये एंड इट्स अमेजिंग एंड इट इज हिज रिएक्शन फॉर दिस क्योंकि मैंने तो सौ मरतबा हजार मरतबा देख चुका हूँ मैं इस गाने को ओनली बिकॉज कि जो अंदर से मोटिवेशन देता है ये उसकी वजह से इट्स अमेजिंग बट बट अगेन या आई बड़ा एंजॉयड विद इट्स हिज फर्स्ट टाइम या सो इट्स हिज रिएक्शन ऑडियंस ऑडियं फेक रिएक्शन कराता है क्या इसीलिए मैं बोल दिया ना ओके लेट्स स्टार्ट I have 34 million. Ah.

गीताज मुसा रज़ा एंड वलीद अतीकी शेख रिबर बैटरी इज़ कामरान एहसान असिस्टेंट डायरेक्टर इज़ उमेर अब्दुल्ला एंड आसिफ आसिफ चीमा हो सकता है ना सी एच हाँ चीमा हाँ वर्ड्रोब इज़ रकीम मलिक क्या प्यारे प्यारे नाम है ना ब्यूटिफुल नेम्स रखीम रकीम हो सकता है शादी हुसैन ऑफिशियल Okay. It was very raw. Very raw, very raw, very raw. बहुत ही खूबसूरत तरीके से शॉट किया गया है hmm. डेफिनेटली इनकी आवाज़ और इनके, exactly. नो, एक जोश hmm. दिला रही है इनकी आवाज में hmm. वो था और जिस तरीके की भी जोश आ जाएगा hmm. वो सब सुन के और इनकी आवाज उसे सुनो और वो दे hmm. रही थी मजा दे रही थी बट आई लव द द वे इट हैज़ शॉट इन्होंने कोई भी स्टूडियो में खड़ के माइक के सामने कोई भी यू नो ग्लेयर्स के साथ उन्होंने यू नो परफॉर्म नहीं किया है hmm. उन्होंने इस कलाम को बहुत अच्छी तरीके से प्रजेंट किया है उन्होंने दिखाया है कि वॉट किस तरीके यू you नो know, uh, कलाम को प्रेजेंट करना अलग hmm. है जो मैसेज इसमें दे, दे, दे रहे थे वो अलग हेल्पिंग पीपल खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यू नो शॉल लोगों को बांट रहे हैं उड़ा hmm. रहे हैं एंड वो यू नो महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को एंड एंड डेफिनेटली ये आई थिंक ये क्लिप्स वन ऑफ द दोस्त कलाम्स जहाँ पर हम लोगों ने uh, कलाम के साथ साथ वीडियो को भी उतना पसंद किया बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द कलाम में क्या होता है कि स्टूडियोज़ में शूट किए जाते है, hmm. studios, you know, उस, uh, हैं स्टूडियो में यू नो उस विजुअल के बारे कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ होता नहीं वहाँ पर सिर्फ hmm. उनकी आवाज़ और उनके वर्ड्स उनकी बातों के ऊपर ध्यान दिए पड़ता है बट यहाँ पर दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एंड कलर ग्रीडिंग भी इसकी ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने दिया White है White बहुत White अच्छी कलर ग्रीडिंग है और बहुत ही प्रेजेंट कर रहा था वो मेमोरी अबाउट दिस कि एग्जैक्टली मैंने कब सुना था ये बोल के देर वॉज अ टाइम कुछ दो साल पहले शायद दो uh, या दो दिसंबर ठीक है जनवरी दिसंबर अठारह दो हज़ार अठारह दिसंबर में आ, मैं क्या था कि हाँ दिसंबर में तो हमारे एक दोस्त के घर में था मैं वो वो मेरे श्या भाई दोस्त थे मेरे तो मैं उनके साथ उनके साथ रहा मैं एक महीने तक मैं तो वहाँ पे क्या होता था कि उनकी जो रिंगटोन ही यही थी है, जानम फ़िदाए हैदरी तो मैं हमेशा बनता सुनते तो सुनता था मैं जो लो में शुरू था जानम ही फिदाय हैदरी जो बोलते उसके फिर वो है वो मेरी रिंगटोन थी है नई लवड रिंग टो उनकी मुझे बहुत पसंद आ रही थी मुझे मैंने बोला कि भाई ये रिंगटोन मुझे भेजो मुझे यूज़ करनी है तो मैंने उसको इस्तेमाल किया बट मैंने कभी गाना नहीं सुना मैंने ये सॉरी ये कलाम गाना मैंने गाना कभी, नहीं। कभी नहीं सुना मैंने तो उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे करके मैंने जागा कि मुझे सुनना है पूरा कलाम एक बार सुना तो मैं पागल हो गया क्या था ये क्या था लेकिन इसे कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया कि एक्जैक्टली exactly कॉन्सेप्ट क्या था इसका क्या कहना चाहते थे ये वीडियो के जरिए से बोल के कुछ दिन के बाद मैंने देखा पढ़ा लोगों से मिला जो 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 नो शे भाई के दोस्त हैं या फिर मेरे शेह भाई मेरे जो दोस्त हैं और जो बहुत ज़्यादा उन्होंने अली मौला को जो पढ़ा है इनके बारे में मेरे जैसे दोस्त हैं बहुत सारे हमने सुनी पाई उन्हें भी तो यहाँ पे उन्होंने मुझे आ, मुझे पता लगा एक मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर खजर साहब बोल के उन्होंने मुझे इससे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि वो बोलते हैं कि अली का जो मरतबा है या फिर अली को जो चाहते अली, अली को जो चाहते हैं और अली मौला को जो भी जितने भी चाहते हैं और जो भी हो जाए अली वो जो जो वली अल्लाह की जो मोहब्बत होती है दिलों में और जो ये जो रूहानियत जो होती है लोगों में तो यू के नॉट जज के यू के नॉट से के दोज हु ओनली हैव अ बियर एंड दोज़ आर वेरिंग क्लीन क्लोथ्स एंड वेरिंग शॉल एंड कमिंग एंड लेवर स्पीच दे रहे हैं इनके पास ही होती है इट्स नॉट नेसेसरी ऐसा भी होता है कि जो लोग गली में बैठे हैं जो कि होमलेस जो लोग हैं जो कि बैठे, है, बैठे हैं एक सिग्नल पर बैठे हैं भीक मांग रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं वो वो कहते हैं कि उनकी जो लेवल ऑफ डिवोशन है वो शायद आपसे ज़्यादा है वो उनका जो लेवल ऑफ डिवोशन लेवल ऑफ ऑनेस्टी वो अल्लाह की तरफ और लेवल ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलीजन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द द रूहानियत ऑफ मौला द रुहान ऑफ वली अल्लाह ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये एकदम टॉप नॉच होती है इन लोगों की वो आप बोलते किसके पास है इट कैन बी एनी और इसीलिए बोलते हैं कि रिस्पेक्टफुली प्रजेंट आओ जो भी ये लोग क्योंकि ही माइट बी वेरिंग वेरी बैड clothes ही माइट be sitting लाइक अ मैट बट वो इबादत कर रहे होंगे दिमाग में उनके तो उनको ऐसा करो इसमें वही है कि जो जो लोगों को ढूंढना है उन्होंने वो ऐसे ही लोग हैं जो होमलेस वहाँ पे इनको वो दे रहे हैं कुछ ऑफर कर रहे हैं उनको तो उन्होंने बोला कि यू के नॉट जज इनायत कि कौन कैसे कपड़े पहने हैं क्या हो रहा है यू कैन नेवर नो दे माइट बी यू नो वॉन्डरिंग इन देयर ओन यूनिवर्स जहाँ पे देव नथिंग बट डिवोशन ऑफ गॉड दे हैव नो दुनिया की कोई परवाह नहीं है कि वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अभी ना उनके कपड़ों की ना उनकी दाढ़ी जो बढ़ रही है कुछ नहीं बिकॉज दी वो फ्लाई कर रहे हैं वो अपने अपने ही इसमें तो ऐसे लोगों को अगर आप उनसे दुआएं ले लोगे अगर ऐसे लोगों की नजरें करम अगर एक बार पड़ गई आपको वो बोलेंगे ये बंदा अच्छा अल्लाह इसका तो अच्छा कर दे तो हम जिंदगी कहीं पता नहीं कहाँ चली जाएगी तो आई थिंक दैट्स वाई दिस इज़ दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट क्योंकि अली मोला ने बोला है कि जो लोग होते हैं ऐसे नहीं कि जो लोग पाक साफ हैं उनकी इज़्ज़ कर जो लोग ऐसे होते हैं जो शैबी होते हैं अपने पोशाक में या फिर किस में भी ऐसे लोगों को आप इखारत ना करके अगर आप इनकी ज़िंदगी के झांकर देखो देखो कि एग्जैक्टली exactly ये क्या सोचते हैं वहाँ पर बैठे बैठे क्या असर की बात नहीं कर रहा हूँ थोड़े जो लोग होते हैं वहाँ पर दैट इज़ वेन यू अंडरस्टैंड के वो वो किस लेवल पे उन्होंने वो हासिल किया है उस डिवोशन को जो हम शायद कभी नहीं कर पाएंगे एंड इट्स बेटर टू ट्रस्ट देम देन ट्रस्टिंग अदर्स जो कि ना फलासरे कपड़े पहनते हैं जो इनको छोड़कर अगर आप ऐसे लोगों को देखें तो इनके पास भी उनका जो लेवल है बिकॉज वर्ल्ड इज नॉट अबाउट मेटेरियलिस्ट थिंग्स ये जो डिवोशन का लेवल होता है तो उस डिवोशन के लेवल को उन्होंने उस मैसेज से पहुँचाया इसलिए दे हैव के ब्लैक एंड वाइट इसीलिए उनको रखा है उन्होंने दिस इज द कॉन्सेप्ट मुझे बोला गया था एंड ग्लैड आई एम एबल टू टेल यू अब थिंग्स ये भी बोला था डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर खजर साहब ये वीडियो नहीं देख रहे हैं वो बहुत बिजी होते हैं फिर भी उन्होंने मुझे बोला था इसके बारे में तो दट गुड एंड ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होम यू जैस मेट ही इज़ ऑल्सो ग्रेट फिलासफर ऐसी चीज़ों में ही इज़ अ मैं उनको बोलता हूँ आओ हमारे चैनल पर यहाँ पे बोलते ही इज़ अ ग्रेट फिलासफ़र उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है इतना कुछ सिखाया उन्होंने मुझे आई वॉज लाइक एन ईडियट कुछ पता नहीं था मुझे बस सुनता था ये सब कलाम बट उन्होंने मुझे उसकी डेप्थ सिखाई उन्होंने हाथ पकड़ के ले गए मुझे घुमा के लाया सारे इसमें एंड दिस आर पीपल हु टी ऑल दिस थिंग्स या पीपल फ्रॉम पाकिस्तान थिंक दैट के हम शायद उतना कंज्यूम नहीं करते और शायद हमको उस लेवल के अंडरस्टैंड नहीं है इस बारे में आई थिंक एक मिसकनसप्शन होता है हर एक बार में ऐसा नहीं है आई हैव ग्रेट ग्रेट फ्रेंड्स जिनको ना कुछ पता है बाप रे जस्ट आप बोलते तो जाओ मैं सुनता जाऊँगा मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बोलते हैं वो बाप रे बाप इट्स ऑल पढ़ाई the लिखाई डिफरेंसेस के वहाँ के और यहाँ की जो पढ़ाई है वो बहुत डिफरेंट है मतलब यहाँ के लोग जो देखते हैं मतलब कलाम के बारे में बोलूँ मैं ऐसा बोलू, बोलूँ तो मोस्ट ऑफ द थिंग क्या होता है हमें पाकिस्तान के उतने हर कलाम के बारे में हमें आइडिया नहीं है जितना हमें लोग वहाँ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करते हैं लेकिन हमने सुना है Hmm. ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं हम यू नो इट्स नॉट लाइक दैट बट यहाँ इंडिया में भी कुछ बनते हैं hmm. कुछ जाने माने लोग हैं या फिर पुराने hmm. नए में तो नहीं है ऐसे पुराने hmm. थे जो कि हम सुनते हैं ओके uh, okay. और मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर इंडिया में नहीं कलाम से ज्यादा कवाली uh, के ऊपर ध्यान दिया जाता है hmm. कलाम exactly. यहाँ पर उतना नहीं चलता मोस्टली कवाली चलती है म्यूजिक चल रही Music है टैप्स इट्स नॉट लाइक के इन गलत वे ऐसा नहीं है कि कवाली मतलब क्या बोलते हैं यार उसको प्रेजेंट कमा कलाम इन वेरी सूफी देरी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको वे <laughs> uh, उस तरीके का चलता है सो so मोस्ट uh, हमारा हमारा जो सराउंडिंग है हम, <laughs> हमारी सराउंडिंग में उसी की तरह के हैं लेकिन द पीपल हु हैव लर्न पीपल जिन्होंने सीखा है <laughs> जो कि नॉट द कलाम्स नॉट बाय द कवाली एंड ऑल बाय द बुक्स बाय द स्टडीज उन लोगों को उतना पता है जितना शायद यू नो टाइप ऑफ ही दे उनके उनके अंदर mm. खुद किताब रखते हैं वो कि जब उनसे हम लोग बैठ के बात करते हैं तो इतनी सारी चीजें बोलते हैं इतनी ज्यादा है। यहाँ पर इट्स ऐसा नहीं है दिस सुन्नी शिया ऐसा नहीं है वी हैव फ्रेंड्स ऑफ शिया और शिया सुन्नी बोध तो हर किसी की बात में और mm. uh, उसमें हमें हमारी बिलीफ के हिसाब से कौन सा लेना है कौन सा mm. नहीं लेना है वो हमारे ऊपर है इट्स नॉट लाइक ए फोर्सिंग इट्स नॉट लाइक दैट बट Hmm. तो यू uh, नो you know, uh, वो वो जो चीज़ है जो पाकिस्तान में जो लोग हमारे hmm. बारे में सोचते हैं वो गलत है मतलब यहाँ hmm. पर हैं लोग जिन्हें हमें उतनी नॉलेज नहीं है आई टेक द नेम पर्सन है मेरा वो इन खलंदर गोल के नाम है उनका होंगे दिस वीडियो ही हैज़ थॉट मी अल ऐसे लोग अगर यूट्यूब पर आ जाएँ तो धमाल मचा दें यार ऐसे लोग क्या क्या इनके पास नॉलेज है क्या क्या इनके पास है तो ऐसा ही सेट के बुक्स लेके घूमते हैं और इनका जो नॉलेज होती है ना आई टेल यू इट्स नॉट लाइक यूट्यूब से कंज्यूम की गई नॉलेज नहीं है बाकायदा बुक्स को रेफर करते हैं वो जिन्होंने बड़े बड़े जो शायर जो हैं फ़िलासफर्स की जो बुक्स लिखी थी उन्होंने वो उस बुक को रेफर करते हैं किसी की वीडियो पर नहीं यूट्यूब में वीडियोस देखकर वो नहीं लेते नॉलेज इतनी नॉलेजेबल वीडियोस यूट्यूब में आपको मिलती नहीं क्या? नहीं पे नहीं नहीं मिल मिल सकती हैं उसका जो रस जो उसका जो है वो बोल सकते हैं आप एक्सप्लेशन बट क्या है कि वैन यू रीड अ बुक दट्स वैन यू अंडरस्टैंड द पर्स्पेक्टिव दर्स वन यू अंडरस्टैंड के क्या बोलना चाह रहे वो एंड देन यू ट्राई टू टेक एन आइडिया अबाउट इट जो लोग कहते हैं बुक पढ़ के वो अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं जो अपने आप पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो इसलिए अल्लाह ने बोलाना कि कुरान आप खुद पढ़ो और कुरान को खुद समझो खुद समझो खुद समझो बिकॉज इट्स ऑल अबाट परसपेक्टिव इट्स ऑल अबाउट वॉट यू टेक बिकॉज वहाँ पे एक खजाना है जितना आप उठा लो उतना उठा लो अभी जो किसी ने उठाया है किसी ने यूट्यूब बना रहे बना रहे हैं वो उनका खजाना उनका है जो उन्होंने उठाया है वहाँ पे आप भी थोड़ा उठाओ खजाना वैसा है तो Great, great We और हम लोग it. इसके बारे में इस के बारे में हमारे इस चैनल बात नहीं करते हैं, hmm. because Sensitive हैं Sensitive. But again, uh, yeah. अच्छा लगता है अच्छा लगता है यू you नो know, uh, अगर हम इसके डीप मायने में जाएँ, डीप चीजें में जाएँ तो हम hmm. जा सकते हैं लेकिन हम जाना नहीं चाहते बिकॉज हमारे कमेंट बॉक्स में हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए ओके किसकी क्या बिलीव है हम बोल नहीं mm. सकते किसकी सेंटीमेंट्स को हम हर्ट कर दें बोल नहीं सकते किसकी बा, किस, क्या बात चुप जाए बिकॉज आवर चैनल इज ऑल द एंटरटेनमेंट ओके हम लोग ये सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करके बट uh, uh, जो रिलेशन जो रिलेट हमने मतलब जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं हमारे mm. दोस्तों के एंड ऑल दोस्त एंड उस, उस तरीके उसी बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं ओके mm. okay, और आई थिंक अगर यहाँ पर डिबेट एक पांच लोग चीजें हैं जिन्हें हम जानते हैं बिठा दें तो कम से कम पांच छह घंटे ये वीडियो चलता रहेगा डिबेट बनता रहेगा डिबेट चलता रहेगा और फिर भी हमें कोई सलूशन में नहीं आएंगे बिकॉज हर किसी की एक बिलीव होती है हर किसी का एक सोचना होता है हर किसी का एक नज़रिया होता है और वो हम उस चीज़ को हम इफेक्ट नहीं कराए एंड दट द रीज़न फ्रैंकली बोलूँ तो द रीज़न मैं इस वीडियो को बहुत दिन से सोच रहा था सही वक्त के लिए सोच रहा था फाइनली द टाइम एज कम सो या ही yeah. टोल्ड के ही ऑलरेडी वॉच डेट सो इनका तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी नो आई हैव हैव ऑफ इट टाइम बट या मुझे बहुत पसंद आया है hmm. और ये सुनने के बाद मैंने ये सुना है hmm.

मतलब एक छोटा सा मुझे ग्लिम्स दिखाई कि शायद तुम कर रहे थे शायद कल पर समय तो पहले भी शायद मैंने किया तो मैंने सुना है बट फाइनली वॉज दट एंड डेफिनेटली इट वाज़ अ अमेजिंग वीडियो अमेजिंग कलाम यू नो लिरिक्स बहुत कम थे hmm. लेकिन बहुत यू नो एफेक्ट करने वाले थे मतलब तो छू रहे थे वो दिल को दश्त में अब्र का सह अब्र का पहला खतरा अली मेरा मुर्शिद भी आखा भी मौला अली देखा दश्त मतलब डेजर्ट हाँ. अब्र का मतलब का पहला खतरा अली पे द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन ऑन डेजर्ट का अली मेरा मुर्शिद भी आखा भी सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी लफ पे अपने रहे ना रहे हैदरी हैदरी मतलब हैदर है मतलब इन्होंने अली मोला के वालिदान ने उनको नाम दिया था ऐसा उनके हैदरबुल उनको नाम दिया था हैदरबुल ओके या ओके ओके आई थिंक उसी से रिलेट होके हैदर अली का भी नाम रखा गया था नहीं? ऑब्वियसली टीपू सुल्तान के हैदर अली वहीं से उठा उन्होंने That's That's why why. Tipu Tipu Sultan Sultan. was 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 a ruler. people know time they the the It whole country only. Haan, and I'm proud के हैदर हैदर अली के जो वालिद हैं वालिद की जो, जो मज़ार है वो हमारे कोलार में जहाँ पे दस साल था वहाँ पे हैं और हैदर की जो हुआ जहाँ पे हुई थी बंगारपेट के थोड़ा सा दूर अगर आप के जी एफ मूवी देखोगे के जी एफ पता होगा आपको मूवी आपने देखी होगी तो के जी एफ़ से थोड़ी देर पे एक गांव है वहाँ पे पैदाइश हुई थी हैदर अली की दे वर ग्रेट रूलर्स उन्होंने कुछ नहीं किया था उन्होंने यही पढ़ा था उन्होंने हैदर हज़रत अली के वाक़ब पढ़े थे उन्होंने वाकई पढ़ के उन्होंने इतनी एक्सेलेंस हासिल कर ली कि वो वज वहाँ उतनी कर पाए उतना ले पाए क्योंकि अगर आप इसमें जो डूब जाओगे ना तो दुनिया आपके ख़दमों में होगी आई थिंक लोगों को टीपू सुल्तान के बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन हैदर अली के बारे में बहुत कम पता है लोगों को you know, टीपू सुल्तान के बारे में द होल लाइफ पीपल आई थिंक हर किसी को उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में पता है लेकिन हैदर अली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बात करते हैं आई थिंक उनकी हिस्ट्री बहुत अमेजिंग है आई थिंक उन्होंने अपने कुछ कम साल ही गुजारे हैं रूल करते हुए बिकॉज ही वॉज सेनापति नहीं फॉर द मैसूर महाराजा उसके बाद उनकी डेथ के बाद इन्होंने टेक ओवर किया था सो hmm. so बहुत कम वक्त था उनका लेकिन वो वक्त में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया बहुत hmm. लोगों की मदद की बहुत चीज़ें किया दस द द रीजन टीपू सुल्तान ने उनसे ही सीख के और जो भी उन्होंने अचीव किया जो भी उन्होंने किया इस्लाम के लिए hmm. या फिर हमारे लोगों के लिए या फिर इट्स नॉट लाइक उन्होंने कोई यू नो ही वॉज नॉट टाइप ऑफ रूलर जो कि मुस्लिम्स के ऊपर वो, वही तो के लिए किया है। अली, 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 तो अली की मोहब्बत है जब आप हजरत में जवाब तो तक नहीं दोगे देखो सबको खाना दो सबकी मदद प्यार करो बिकॉज लव इज लैंग्वेज विच द वर्ल्ड अंडरस्टैंड सबकॉन्शियसली वही 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 के टीचिंग थे उसी को अप्लाई करके उन्होंने इतना प्यार बढ़ा रही है अलग बात है कि आजकल हिस्ट्री को थोड़ा सा दिखाया था बट अगेन अगेन माना जाते हुए बोल सकते हैं कि हाँ इतना लोग जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इतना कोई अचीव कर पाए क्योंकि उन्होंने हजरत अली की जिंदगी को बहुत पढ़ा था बहुत पढ़ा। जो जो अली का हो गया वो खुदा का भी हो गया और दुनिया एम टेलिंग यू आप उनकी मोहब्बत में डूब जाओगे ना तो दुनिया खदमों में पड़ेगी आपकी आप, आप सोचोगे दुनिया world, यार नहीं चाहिए जब बोलोगे तो नहीं चाहिए

नहीं मैं यहाँ ही देखा था एल ई डी की तरफ में यहां के अच्छा है मोहम्मद इनायत व्हाट व्हाट वट मैं यहाँ दिख रहा था एल ई डी की तरफ कैमरे में देखना है अब तक नहीं सीखा मैं मोहम्मद इनायत भाई तो ये सेटअप अच्छा लगा ना बोला नहीं आपने सेटअप के बारे में कुछ? लो, लो कर रहे हैं अच्छा सेटअप अच्छा लग रहा है ना या yeah. Actually, Good. we are planning for another background. मैंने I mean, बोला ना आपको कि we'll हाँ, do that. हाँ 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 we'll do हाँ, that. वो करने के बाद I think और अच्छा खूबसूरत लगेगा. करेंगे आपके लिए सब करेंगे. हाँ थोड़ा वक्त लगेगा धीरे-धीरे से करेंगे लेकिन हुँ. सब करेंगे. Yeah, दिस is Mohammad Shahbaz. Mohammad Nayat. Signing off.